If there is one question that every student is thinking, every student who is clearing 12th grade right now is thinking about this, that what should they do after 12th grade? Hi everyone, this is Ankush and welcome to Codeinia's YouTube channel. Yaar, aaj main baat karna chahta hoon. Everyone who is getting out of 12th grade, hai na, college jana hai. Ab college join karne ki excitement bhi hai, but saath mein tension bhi ho rahi hai ki karna kya hai college jaake. Eventually job lagegi ki nahi lagegi. इवेंचुअली क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम कुछ कर पाएँ अपने करियर के अंदर. आई थिंक कोडिंग इज़ वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ यू वुड इवेंचुअली गेट इन टू बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ जॉब्स आर. सो आज की वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि क्या 12th के बाद हमें कोडिंग के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, एंड अगर कर देना चाहिए तो हमारे क्या एक्शंस होने चाहिए ताकि हम अच्छा कर पाएँ कोडिंग के अंदर. बिफोर वी गेट टू ऑल ऑफ दिस, एक रिक्वेस्ट है, फटाफट से एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, है ना, सो दैट यू आर एबल टू गेट एक्सेस टू ऑल सच कॉन्टेंट वेरी वेरी क्विकली. आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन टू आंसर इज कोडिंग द राइट स्किल थिंकिंग आर करियर इन माइंड. एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हमारी डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इंक्रीज ही होती जा रही है. 5-7 साल पहले हम खाना कैसे ऑर्डर करते थे, हम टैक्सी कैसे बुक करते थे, वो सब कुछ एकदम चेंज हो चुका है. एंड मुझे लगता है 5-7 साल में ये सब कुछ फिर से चेंज हो रहा है. कुछ नई टेक्नोलॉजी आएंगी, कुछ नए यूज केसेस आएंगे एंड थिंग्स विल कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, विल कीप मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ अस. सो ऑलमोस्ट एवरीबडी विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजी इन सम वे और द अदर एंड आई बिलीव एवरीबडी शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी, लिटिल बिट ऑफ कोडिंग, वॉट एवर बी देयर करियर. बट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क विल बी डन बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. ऑटोमेटिकली मीन्स that software developers की demand बहुत ज़्यादा होने वाली है and it's going to be an amazing career option for almost all of us for a long period of time. The number of jobs that you see in the market right now, कोई भी research देखोगे, this is on a very very high trajectory. It will keep increasing over time. अभी AI की वजह से बहुत सारे changes आ रहे हैं and that would also mean that ये बहुत ज़्यादा areas को disrupt करेगा AI. ऑटोमेटिकली मीनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है जो AI को यूज़ करके ये सारा डिसरप्शन करेंगे, राइट. सो वन गुड पार्ट अबाउट कोडिंग इन जनरल इज दैट इट्स वेरी वेरी हाई पेइंग. उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, तुम अगर कोई कोड लिखते हो ना, वो उस कंपनी के लिए हमेशा काम आता है. ऐसा नहीं है कि तुमने अभी कुछ काम किया और बस अभी मेरे को कुछ उस कंपनी को कुछ रेवेन्यू मिल गया और काम खत्म हो गया. दैट कंपनी विल बी एबल टू मेक revenue money from your code for a long long period. That is the reason coders get paid really well. So bahut hi lucrative area hai, bahut hi lucrative career option hai and all of you should definitely consider this. But agar itna lucrative hai to itna aasan bhi nahi hoga. Ye bahut clear hai ki itna aasan nahi hai because agar tum dekhoge har saal 2.5 se 3 lakh log naye log IT industry ke andar join karte hain. बट उसमें से 1.5-2 लाख लोगों की जो जॉब होती है उसमें सैलरी इज मे बी 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ पर एनम, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है दैट इफ़ यू प्लान टू बी एन एवरेज कोडर, इफ़ यू प्लान टू बी, ठीक है आती है थोड़ी बहुत, लग जाएगी नौकरी, इफ़ यू प्लान टू बी दैट देन यू डोंट हैव टू डू मच, यू जस्ट जॉइन अ कॉलेज, बेसिक काम करते रहो, लग जाएगी उतनी जॉब. पर इसमें तो मज़ा नहीं है ना. If you want to be an amazing coder, if you want to be somebody who wants to do really well, who does not want to settle for average, who wants to go and achieve really high, not just salaries, right? The kind of work that you will be doing, the kind of companies that you will be working for, the kind of impact that you can create. Agar tumhe in sab cheezon ke andar acha karna hai, to average se kaam nahi chalega. And agar hame average se kaam nahi chalega, to hum sirf college pe dependent nahi reh sakte. हमें खुद से अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, राइट. जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं कोडिंग के अंदर, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने खुद से अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत एफर्ट मारा है, बहुत काम किया. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल हैव टू डू. एनीबडी हु वांट्स टू गेट गुड इन कोडिंग, उसको बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. And after that, you have to do a lot of practice. You have to work on multiple projects so that your profile looks good. And the reality is
आज के जो हमारे कॉलेजेस हैं मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट प्रोवाइड यू द राइट कल्चर द राइट मेंटरशिप विच विल हेल्प यू अचीव दैट. एट कोडिंग निंजास वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड एन अमेजिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली कीपिंग यू गाइज इन माइंड विच इज द टेक वार्सिटी प्रोग्राम. दिस इज अ प्रोग्राम विच इज डिजाइन फॉर फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अभी 2 साल ढंग से अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि वो एक अमेजिंग करियर अपना बना पाए कोडिंग के अंदर. इट्स अ 2 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम स्प्लिट ओवर 4 सेमेस्टर्स. एवरी 6 मंथ्स यू विल लर्न समथिंग अमेजिंग. एवरी 6 मंथ्स यू विल बिल्ड समथिंग अमेजिंग. हमारी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. देर आर गोइंग टू बी अमेजिंग कोडिंग कल्चर दैट यू विल एक्सपीरियंस विच इज बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्लब्स विच आर रन बाय students like you, which are actually run in partnership with top IITs. And the idea is very simple. एक open source club होगा जहाँ पे लोग जो open source में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो तुम्हारी help करेंगे, वो तुम्हें सिखाएंगे, वो तुम्हें guide करेंगे कि तुम कैसे अच्छा कर सकते हो. There'll be a competitive programming club. वो तुम्हें सिखाएंगे कि यार competitive programming में अच्छा कैसे कर सकते हैं. There'll be an entrepreneurship club. Right? All such clubs where you will get to learn so much so that you are able to build competence in all these areas. Tech Varsity ka jo curriculum hai na, that is prepared to ensure that you are ready with whatever skills are needed today. And not just that, tumhare itne strong foundation honge ki agar kuch bhi naya aata hai to tum quickly usko grasp karke seekh paoge. For example, currently AI is something that every software engineer should learn. So that is a very important component of Tech Varsity program. कि यार AI, ML और आज के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके मैं ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्रामर कैसे बन सकता हूँ. आई होप ऑल ऑफ दिस इज साउंडिंग इंटरेस्टिंग. डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में डाल दिया है. फटाफट से जाके यू कैन चेक आउट द प्रोग्राम एंड ऑल्सो यू कैन रजिस्टर फॉर दी वेबिनार दैट वी कंडक्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. अगर ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. जाके फटाफट से यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द प्रोग्राम. You can register for a webinar as well, जहाँ पर हम तुम्हें ये सारी चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा पाएंगे. In the end, to summarize, I think एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यार, एटलीस्ट हमें कोडिंग को एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा. We should explore coding because that is very very lucrative career. अगर मज़ा आया, अगर हम अच्छा कर पाए तो फटाफट से फिगर आउट कर लेते हैं. बिकॉज अगर अभी शुरू कर देंगे बिफोर वी गेट इन टू कॉलेज और विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज अभी शुरू कर देंगे, देन वी विल बी माइल्स अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स एंड दैट विल अलाउ यू टू डू सो मच मोर ड्यूरिंग योर कॉलेज कंपेयर टू इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर. अभी करेंगे ज़्यादा टाइम मिलेगा, है ना, आराम आराम से कर पाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा एंड बहुत अच्छा करियर इवेंचुअली बिल्ड कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.